गोंडा में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा। तो बिजली विभाग की लापरवाही से गोंडा में बड़ा हादसा हो गया। टूटकर गिरे बिजली तार से खेत में आग लग गई है। बिजली विभाग की लापरवाही की खबर एक बार फिर गोंडा से सामने आई है, जहां आग बुझाने पहुंचे किसान की करंट लगने से मौत भी हो गई है। फसल के साथ खेत में जला किसान का शव, तो किसान जो है वो फसल के साथ ही जल गया। दरअसल आपको बताते चले कि बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हो गया है। आग बुझा रहे लोगों को भी करंट लग गया है। सूचना के बाद भी नहीं काटी गई बिजली, तो बिजली विभाग की कहीं ना कहीं ये बेहद ही बड़ी लापरवाही निकल के गोंडा से सामने आ रही है, जबकि लापरवाही से किसान की मौत से अब लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जर्जर बिजली के तारों की कई बार शिकायतें भी की जा चुकी है, लेकिन बिजली विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जब इस मामले पर बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, तो सूचना के बावजूद भी बिजली नहीं काटी गई, जिसके बाद एक किसान के खेत में आग लग जाती है। किसान उस आग को बुझाने पहुंचता है, जहां करंट की चपेट में आने से किसान की भी मौत हो जाती है। परसपुर थाना क्षेत्र के कडरू गाँव का ये पूरा मामला बताया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, बिजली विभाग की लापरवाही से गोंडा में बड़ा हादसा हो जाता है, अभी तक इस मामले पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया क्या है? बता दें कि पूरा मामला गोंडा जिला के परसपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिलती है। बिजली विभाग की लापरवाही को देखने को मिलती है, जहाँ पे एक बीते रात को तार टूट के पड़ जाता, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों को इतना निगाह नहीं पड़ता कि कहीं तार टूटा है, बिजली आती है। वो व्यक्ति अपना उसके खेत का फसल जल रहा था उठाने जाता है, उसका भी मौत हो जाता है। लेकिन अक्सर ये घटनाएं करनेलगंज क्षेत्र में अक्सर होती रहती है। बिजली विभाग की कोई भी कर्मचारी तार चेक करने या कुछ वहां देखने नहीं जाते जी। बिल्कुल, लेकिन अनिल, इस मामले में ये भी खबर है कि कई लोगों को भी करंट लगा है, तो उन सबकी स्थिति कैसी बताई जा रही है जिन लोगों को अभी करंट लगा है? जी मुस्कान जी, बिल्कुल, जिन लोगों को करंट लगा उनकी सीएससी में इलाज चल रही है, लेकिन एक व्यक्ति को करंट लगा, उसका मौके पर मौत हो गया और उसकी काफी फसल भी जलकर राख हो गई। अपने फसल बचाने के चक्कर में वो खेत में देखा नहीं कि तार पड़ा, वो खेत में गया और उसका वहां पे मौत हो गई। और बाकी जितने परसपुर के लोगों को करंट लगे उनका सीएससी में इलाज चल रहा है और बाकी उनकी हालत सही है और बाकी वो कुछ लोग अपने घर भी जा चुके हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अनिल इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस